दोस्तों इस समय लाइव फीड में दो ऐसे लोगों का झगड़ा हो रहा है जो कि पहले जब घर में आए थे तो दोस्त थे और उसके बाद अब एकदम कट्टर दुश्मन बनते हुए हमको दिख रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ है ऐसा इन दोनों के बीच में कि भाई ये दोनों आपस में लड़ाई पर उतारू हो गए और एक दूसरे को ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं वीकेंड के बाहर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। लेकिन क्या हुआ है ऐसा और किस लिए इनकी फाइट हो रही है लाइव फीड में, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होश कनीश खान। तो आपको बता दें कि सना और खानजादी में थोड़ा सा बोलते हैं ना वर्बल एक फाइट होती हुई दिख रही है, जिसमें खानजादी सना को ये कहती हुई पाई जा रही है कि तू बहुत, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तू फेक है और ये सारी चीज़ें। बिकॉज ये मुद्दा शुरू हुआ है कुछ उस टॉपिक से जहाँ पे ड्यूटीज़ की बात हो रही थी और ड्यूटीज़ की बात होते 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 ये चीज़ एक अलग लेवल पर ही चली गई, जहाँ पे सना इस चीज़ को इंक्लूड करते हुए ले आए कि तेरे जैसी लड़की जो है ना, जो मतलब सलमान सर के साथ तो जिस तरीके से बात करती है, जिस लेवल का डिसरिस्पेक्ट देती है ना, उस हिसाब से तेरे को इस शो में रहना तो डिजर्व भी नहीं करती है। और इन दोनों के बीच में जो वर्बल स्प्रेड होता है उसमें सना ये भी कहती है कि आई एम नॉट अ क्विटर, जिसके बाद खानजादी ये भी कहती है कि तू मेरे ऐसा बन भी नहीं सकती, मुझे तुझसे बात भी नहीं करना है, शी आर चल टाइप ऑफ वो जो वर्बल स्प्रेड था इन दोनों के बीच में, उसमें आकर सना उठकर एक चीज़ कहती है खानजादी को कि तेरे को पता है तेरे जैसी जो गिरी हुई लड़की है ना, वो जिस तरीके से सलमान सर को तू डिसरिस्पेक्ट करती है, शो के लिए तू डिसरिस्पेक्ट करती है, ड्रामा करती है, मैं तेरी ऐसी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ, ये उनका स्टेटमेंट था। जिसके बाद तो भाई पूरा का पूरा जो दिमाग वाला कमरा है, चाहे वो विक्की हो चाहे वो अंकिता, तो चलो दिल वाली है लेकिन फिर भी दिमाग वाले कमरे में बैठी है, मतलब बेवजह घुसने की कोशिश जारी है उनकी, अरुण तहलका, इन सभी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सना ने गलत बोला है खानजादी को। और इवन सना ये भी कहते हैं कि जो भी मनारा तेरे को कल बोल रही थी ना, जो भी तेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रही थी, वो तू डिजर्व करती है और मनारा एकदम सही है। और इस समय खानजादी का एक इमोशनल अवतार हमको देखने को मिल रहा है, दोबारा से ना शेल रोते रोते दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।